जहां भी होंगे, जहां भी होंगे, जिस रूप में भी होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, सलाखों के पीछे होंगे सब। और कांग्रेस सर लगातार हमलावर है, वो कह रही है कि इतने बड़े मामले में जो है एक तो डीजीपी को हटाने की मांग कर रहे हैं और एक भी सस्पेंशन नहीं है इस मामले। देखिए ऐसा है कि कांग्रेस के कहने पर तो नहीं होंगी सारी चीजें, इतने बेहतर ढंग से सारी चीजों को हमने करने की कोशिश की है। जहां एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की, एफआईआर दर्ज की, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस आगे बढ़ने के से पहले ही हमने रिटर्न टेस्ट जो दिया था जो पुलिस के कांस्टेबल का, उसको रद्द कर दिया गया। और रद्द करने के बाद जब हमको लगा कि भाई उसमें उचित रहेगा, क्योंकि इसमें प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भी कुछ लोग इस तरह से हैं जो शामिल लगते हैं, तो ऐसे में उचित रहेगा सीबीआई से जाँच करना, सीबीआई की जाँच की। और इसके बाद आखिरकार कांग्रेस वाले राजनीतिक मुद्दे के सिवा कोई इसमें कोई और चीज़ ढूंढने की कोशिश करते तो समझ में आती, लेकिन वो राजनीति ही करना चाह रहे हैं और हम पारदर्शिता के साथ इस प्रक्रिया को, भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जहां भी होंगे जिस रूप में भी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, सलाखों के पीछे होंगे सब। और कांग्रेस सर लगातार हमलावर है, वो कह रही है कि इतने बड़े मामले में जो है एक तो डीजीपी को हटाने की मांग कर रहे हैं और एक भी सस्पेंशन नहीं है इस मामले। देखिए ऐसा है कि कांग्रेस के कहने पर तो नहीं होंगी सारी चीजें, इतने बेहतर ढंग से सारी चीजों को हमने करने की कोशिश की है। जहां एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की, एफआईआर दर्ज की, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस आगे बढ़ने के से पहले ही हमने रिटर्न टेस्ट जो दिया था जो पुलिस के कांस्टेबल का, उसको रद्द कर दिया गया। और रद्द करने के बाद जब हमको लगा कि भाई उसमें उचित रहेगा, क्योंकि इसमें प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भी कुछ लोग इस तरह से हैं जो शामिल लगते हैं, तो ऐसे में उचित रहेगा सीबीआई से जांच करना, सीबीआई की जांच की। और इसके बाद आखिरकार कांग्रेस वाले राजनीतिक मुद्दे के सिवा कोई इसमें कोई और चीज़ ढूंढने की कोशिश करते तो समझ में आती, लेकिन वो राजनीति ही करना चाह रहे हैं और हम पारदर्शिता के साथ इस प्रक्रिया को, भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जहां भी होंगे जिस रूप में भी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, सलाखों के पीछे होंगे सब। और कांग्रेस सर लगातार हमलावर है, वो कह रही है कि इतने बड़े मामले में जो है एक तो डीजीपी को हटाने की मांग कर रहे हैं और एक भी सस्पेंशन नहीं है इस मामले। देखिए ऐसा है कि कांग्रेस के कहने पर तो नहीं होंगी सारी चीजें, इतने बेहतर ढंग से सारी चीजों को हमने करने की कोशिश की है। जहां एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की, एफआईआर दर्ज की, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस आगे बढ़ने के से पहले ही हमने रिटर्न टेस्ट जो दिया था जो पुलिस के कांस्टेबल का, उसको रद्द कर दिया गया। और रद्द करने के बाद जब हमको लगा कि भाई उसमें उचित रहेगा, क्योंकि इसमें प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भी कुछ लोग इस तरह से हैं जो शामिल लगते हैं, तो ऐसे में उचित रहेगा सीबीआई से जाँच करना, सीबीआई की जाँच की। और इसके बाद आखिरकार कांग्रेस वाले राजनीतिक मुद्दे के सिवा कोई इसमें कोई और चीज़ ढूंढने की कोशिश करते तो समझ में आती, लेकिन वो राजनीति ही करना चाह रहे हैं और हम पारदर्शिता के साथ इस प्रक्रिया को, भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए